फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे भी इस लेवल पे या इसके नीचे फ्लैट खुलता है, फिर ये क्रॉस करता है तो हम 20 से 25 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं 1:2 के टारगेट के लिए। आप देख सकते हैं कि पहला जो कैंडल था निफ्टी एक गैपअप खुला, बहुत बड़ा गैपअप नहीं था। दूसरा हमारा प्लान ऑफ एक्शन था कि अगर बहुत बड़ा गैपअप खुलता है और ये प्राइस एक्शन दिखता है तो हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। तो निफ्टी बहुत बड़ा गैपअप नहीं खुला, थोड़ा गैपअप खुला। गैपअप खुलने के बाद एक 15 मिनट का कैंडल हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर आप देख सकते हैं आपको एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे हमने ये प्रेफर किया था कि हम इंस्टेड ऑफ निफ्टी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पैटर्न था वो काफ़ी क्लियर था और हमें एक बाइंग के साइड का मोमेंटम अच्छा दिख रहा था। अब हम देख सकते हैं कि निफ्टी में हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम कल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर कहीं पे भी कल फ्लैट खुलता है, मतलब इस रेंज के अंदर खुलता है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं पे भी निफ्टी खुलता है और इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम इमीडिएट इसको लॉन्ग कर सकते हैं 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस से। जो हमारा टारगेट होगा हम यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था 18,670-18,680 के आसपास। अगर निफ्टी यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करता है या फिर कोई 15 मिनट का कैंडल जैसे यहाँ से निकला, फिर ये आने के बाद यहाँ पे थोड़ा हॉवर करके 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो फिर हमें इन फ्यूचर मतलब आने वाले 1-2 दिन में थोड़ा और ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर ले। तो बैंक निफ्टी हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम बैंक निफ्टी को इमीडिएटली लॉन्ग कर सकते हैं। 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस है और 1:2 हमारा टारगेट होगा। तो अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में आ रहा था, हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन को निकलता है तो हम इमीडिएट बाई कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। या फिर बहुत बड़ा गैपअप खुले, गैपअप में आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है तो हम सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी सीधा एक गैपअप खुला, काफी बड़ा गैपअप खुला, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ सीधा गैपअप खुला और इसके बाद ये ऊपर को निकल गया तो कोई ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं होगा। हाँ, बट हमने स्टॉक ट्रेड किया था तो स्टॉक में अगर आप देखें तो हमने लॉरस लैब को शॉर्ट के लिए प्रेफर किया था, जो आज लगभग 4% के आसपास गिरा। बाकी दो जो बाइंग के लिए स्टॉक था वो काफी बड़ा गैपअप खुल गया तो हमें वहाँ पे एंट्री नहीं मिला। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। हमने ये बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए कल फ्लैट खुलता है, अगर बहुत बड़ा गैपअप खुला तो फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन हमें क्या इशारा कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन हमें सेलिंग के साइड को इशारा करता है तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे। बट अभी करंट सिनारियो है, अगर करंट सिनारियो में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आके लगभग 43,950-44,000 के आसपास आके एक हर्डल लेके यहाँ पे रुका। तो कल अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम इमीडिएट इसको बाई कर सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये सारे जो लेवल है 43,900-44,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सेकंड हाफ में हमें ये पैटर्न कुछ देखने को मिला, बट क्योंकि जब टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका था और आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी मान लीजिए इनिशिएट किया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था आज इंडेक्स को। मैंने एक पुट खरीदा था निफ्टी का जहाँ पे मुझे एक ब्रेकडाउन दिखा था 40 रुपीज़ के आसपास 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो वो 5 रुपए का ऐसा ट्रिगर हो गया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। मैंने इस ट्रेड को ट्विटर पे भी डाला था कि 18,500 का जो पुट था वो 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, मुझे प्राइस एक्शन में देखा कि यहाँ से एक डाउन साइड आ सकता है, फिर पुट में एंट्री लिया, पुट वहाँ से आपको 40 से 42-43 रुपीज़ तक गया, इसके बाद फिर नीचे आया, 35 का स्टॉप लॉस था तो 35 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। फिर मैंने इंडेक्स में कोई भी ट्रेडिंग नहीं ली। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसको निकालता है तो फिर हम इमीडिएट बाई कर सकते हैं। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी पास है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। बट 44,200-43,000 यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट खुलता है तो ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इस अगर गैपअप बहुत बड़ा गैपअप खुल गया तो फिर हम देखेंगे, अगर हमें कोई इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर गैपअप खुलने के बाद आपको कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखे तो हम सेलिंग प्रेफर करेंगे ये स्टॉप लॉस से और ये स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद। बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो फिर ये सारे लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेंगे, तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा क्योंकि ऊपर में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा,
बीच में ये सारे लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेंगे, तो बैंक निफ्टी फिर इस रेंज में फंस के रह जाएगा। तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद फिर हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 43,600 का हमने कॉल पुट दोनों बेच देना है और डे एंड में जो भी प्रीमियम मिला वो लेके निकल जाना है, क्योंकि फिर यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, ये डायरेक्शन लेस हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो इंडेक्स के लिए हमारा क्लियर प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर फ्लैट खुल के ये लेवल को निकालता है, निफ्टी में भी अगर हाई को निकालता है, तो हम लॉन्ग करेंगे 25 रुपए के स्टॉप लॉस से, 1:2 का टारगेट होगा। बैंक निफ्टी में भी अगर फ्लैट खुल के ये स्विंग को निकालता है तो ही हम बाई करेंगे, फिर हमें 44,100 ये सारे लेवल टेस्ट होते हुए दिखेंगे। अगर मान लीजिए कि निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद आपको कहीं पे ऐसा प्राइस एक्शन दिखे जिसको हम ABC पैटर्न बोलते हैं, तो फिर हम ये स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट हम सेल कर सकते हैं, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। चलिए हम स्टॉक्स डिस्कस कर ले। तो पहला स्टॉक जो है वो अदानी एंटरप्राइज। अगर आप देखेंगे कि काफी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है और अब ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक रेंज का ब्रेकआउट आने के चांसेस है, तो अदानी एंटरप्राइज काफी टाइम से इस रेंज के अंदर घूम रहा है कंटिन्यूसली, अगर आप देखें इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। बट ये मैक्सिमम जो क्लोजिंग है अभी आप देखेंगे तो ये हायर एंड पे दे रहा है, तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 4065 या 4061 के ऊपर निकलता है, तो आप इमीडिएट यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये स्विंग को देखें तो स्विंग आप अगर देखेंगे तो आपको ये स्विंग लगभग आपका 4072 अगर हम इसका डे हाई देखें तो आपका लगभग 4072 का है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 4060, 61 या 65 तक के बीच में अगर ये फिर ऊपर निकलता है तो हम इमीडिएट लॉन्ग कर सकते हैं, 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ONGC में भी एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा चार्ट को ऐसे करके देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे ये हायर लोज के फॉर्मेशन में आ रहा है। काफी टाइम से इस रेंज को ये ब्रेकआउट देने का कोशिश किया बट यहाँ एक गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे डिविडेंड एडजस्टमेंट के कारण फिर यहाँ आके ये रिट्रेस किया। अब यहाँ से ये वापस ऊपर को निकल रहा है, तो कल ONGC अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 145 के ऊपर निकलता है, तो आप इमीडिएट इसको लॉन्ग कर सकते हैं, 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो GNFC है। GNFC में आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है और आप देख सकते हैं एक शार्प सेलिंग था, शार्प सेलिंग के बाद ये पुल बैक हुआ, फिर ये साइड में चला गया और ये ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। तो अगर कल ये फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता तो हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है GNFC में। तो मान लीजिए अगर फ्लैट खुल के ये 4598 के ऊपर निकलता है तो हम इमीडिएट लॉन्ग कर सकते हैं, 2.5 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 टारगेट होगा। GNFC कोशिश करेगा इस स्विंग को रिटेस्ट करने का, इसके बाद इसके ऊपर ये क्लोज देने का कोशिश करेगा। तो अगर ये ऊपर निकलता है 598 के ऊपर तो हम यहाँ पे 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 1:2 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें टाटा केमिकल, आज के इतने स्ट्रेंथ वाले मार्केट में भी हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वीकनेस देखने को मिला। अगर टाटा केमिकल को हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न दिखेगा जो हमें हैवल्स में मिला था और वो अभी काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है और यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ और वापस से यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे को आ रहा है। तो अगर कल ये फ्लैग खुलता है, फ्लैग खुलने के बाद अगर 1030 के नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट इसको सेल कर सकते हैं, 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। ये कोशिश करेगा पहले इस स्विंग को रिटेस्ट करने का, इसके बाद इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये स्विंग को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। फ्रेंड्स मेक श्योर कि अगर ये कहीं पे भी गैप अप खुल जाए जैसे 1040 या 42 के आसपास तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, हम इस शॉर्ट को इनिशिएट नहीं करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम लाइव ट्रेडिंग आपको मैं लाइव ट्रेडिंग भी शेयर करता हूं कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट है और मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।